में आपका स्वागत है। फाइनली इंडिया में Realme Narzo 30 सीरीज 4G और 5G, Realme Buds Q2 और उनका एक नया स्मार्ट टीवी आ चुका है। आज आपको मैं Realme Buds Q2 और Narzo 30 5G की अनबॉक्सिंग दूंगा और सारी जानकारी यहां पर इस वीडियो में देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं Narzo 30 5G से। यह फोन कुछ नहीं है, यह Realme 8 का सेम टू सेम रीब्रांड वर्जन है। Realme 8 में 4128 और 8128 दो वेरिएंट्स मिलते हैं। ये बीच वाला है, 6GB रैम 128GB स्टोरेज, बस प्राइस भी उनके बीच में शायद हो सकती है। तो ये जो फोन आया है सब कुछ सेम है Realme 8 5G जैसा, बस बैक डिजाइन चेंज हो गई है और यहाँ पर Narzo मेंशन्ड है, बाकी कुछ भी आपको उसमें नया नहीं मिलता है। शायद पहली बार ऐसा होगा कि मैं अनबॉक्सिंग स्किप कर रहा हूँ और मैं Narzo 30 5G की अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और वो अगर चाहते तो 6GB Realme 8 5G में ही दे देते थे, काई को ये फ़ोन लॉन्च किया इस नाम से क्यों कर रहे, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मुझे यहाँ पर है Realme Buds Q2 में, जहाँ पर दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते सारी जानकारी देता हूँ। बॉक्स कुछ इस तरीके का है और इसमें काफ़ी सारे हाईलाइटिंग फीचर्स यहाँ पर मेंशन की गई है और जो प्रीवियस जनरेशन है Realme Buds Q, ये उससे बहुत सारे नए फीचर्स लेके आया है। वो था कुछ अराउंड 2000 या उसके नीचे समथिंग, इसकी प्राइस मुझे पता नहीं, जो भी होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में अपडेट करूंगा। बॉक्स कंटेंट की बात करें दोस्तों, तो आपको बॉक्स में चार्जिंग केस मिलता है, साथ ही साथ कुछ आपको कागजात है, आपको टाइप सी केबल है चार्ज करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स है और आपको आपके ईयरबड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन और बिल्ड से। अगर वेट की बात करूँ तो 4.5 ग्राम्स ईच, तो काफ़ी लाइट वेट है और ये जो चार्जिंग केस के साथ अगर वेट की बात करूँ तो 45 ग्राम्स का होता है, ये भी वैसे इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं होता है। और इनकी जो बेल्ट है वो पूरा पॉलीकार्बोनेट है और ये भी आपको वैसे ही मिलता है और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट है और आपको सामने एक इंडिकेटर भी मिलता है। वैसे ये जो ईयरबड्स है ये IPX5 रेटिंग से पानी के छींटे उड़ते पसीने वगैरह आते तो कुछ हद तक ये उनको झेल सकता है। चार्जिंग केस का आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है, मुझे लगता नहीं कि चार्जिंग केस कुछ वैसे IPX5 वगैरह होगा। साथ ही साथ इनमें आपको डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, तो कॉलिंग के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी चीज है जो उन्होंने यहां पर ऐड कर दी है। और उसी के साथ साथ इनके जो डिजाइन है वो मुझे अच्छी लगी है, ऐसे कर्व्ड भी है और मैंने जब कान में पहना था इनका जो कंफर्ट था वो अच्छा था और ग्रिप भी बहुत अच्छा था, तो ये भी चीज मुझे यहां पर काफी अच्छी लगी है। साथ ही साथ मैंने शायद पहली बार ऐसे कोई ईयरफोन्स देखा रहेगा जिनमें इतनी बढ़िया मुझे डिजाइन दिखी है। प्राइस के हिसाब से अगर ये कम प्राइस पर आता है तो एक बहुत ही यूनिक चीज आपको मिलती है। एक तो दोस्तों आपको ऐसा मिरर इफेक्ट मिलता है, लिटरली आप अपना फेस देख सकते हैं इनमें और उसी में उन्होंने मल्टी कलर इफेक्ट ऐड किया है, तो देखने के वक्त आपको तो कुछ अलग ही महसूस होगा और जब आप कान में इसको लगा के यूज करते हैं तो मतलब एक अलग ही तरीके का रिफ्लेक्शन होता है जो एकदम प्रीमियम टच देता है। तो यस, जो डिजाइन है वो बहुत ही कमाल की है और हमारे पास जो कलर है वो ग्रे है, आपको एक ब्लैक भी मिलेगा तो वो भी और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डिजाइन की बात करें तो यस, काफी बढ़िया आपको यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलती है। साथ में दोस्तों बैटरी की बात करते हैं तो 28 आवर्स का आपको बैकअप मिलता है सिंगल चार्ज पर, जो एक बहुत ही बड़ी चीज है। और इनमें आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है जो आई थिंक एक प्रीमियम फीचर है जो उन्होंने यहाँ पर इसमें दिया है। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में 20 आवर्स मिलता है, विदाउट एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन 28 आवर्स। वैसे इनको लगभग 1.5 घंटा लगता है फुल चार्ज होने के लिए और साथ ही साथ क्विक चार्ज भी है इसमें, अगर आपने 10 मिनट चार्ज किया तो 3 घंटे तक का आपको उसमें बैकअप मिलता है, तो एक अच्छी चीज आपको उन्होंने यहाँ पर दिया है विद चार्जिंग केस 28 आवर्स बैकअप, जो एक बहुत ही अच्छी चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में कॉलिंग की बात करें तो आपको डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन इनमें मिलता है जो एक अच्छी चीज है। तो एक रियल टाइम कॉल हम करते हैं और टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ मेरे भाई को और हम कॉल रिकॉर्ड करते हैं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, आप खुद देख लीजिए कि कॉल यहाँ पर कितना एक्यूरेट है। हाँ, आवाज आ रही है? क्लियर है? क्लियर आ रही है। और बाकी सब बढ़िया है ना? बस बढ़िया चल रहा है। आजकल एडिटिंग में बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। किसके अंदर? एडिटिंग में। क्या मिस्टेक यार, आदमी है, ह्यूमन है ऐसे। ओके ठीक है, पीपल लव्स यू। साथ में दोस्तों इनमें क्विक कनेक्ट वाला फीचर है, यानी कि ऑटो कनेक्ट वाला फीचर है। वैसे जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम इनको निकाला था तो एक नोटिफिकेशन मेरे फोन पे आ गया था और जैसे ही मैंने टैप किया ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। और अगर आपको और भी फायदा उठाना है इसका तो आप Realme Link ऐप इंस्टॉल करिए और उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। दोनों ईयरबड्स के सेपरेट बैटरी की इन्फॉर्मेशन आपको देगा, आपको नॉइस कंट्रोल मिलता है इसमें फीचर, एक नॉइस कैंसिलेशन नॉर्मल या ट्रांसपेरेंसी, तो आप उनको टॉगल कर सकते हैं। वैसे ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करूं तो आप डायरेक्टली अगर चाहो तो दोनों में आप प्रेस एंड होल्ड करके इस तरीके से
डायरेक्ट एम्बिएंट मोड में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बात करते हो किसी से तो आपको बाहर की आवाज़ नहीं आती है, लेकिन उस मोड पर जाने से आपको बाहर की आवाज़ भी सुनाई देगी। हाँ, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे अगर ऑडियो की बात करूँ तो 10mm के बेस बूस्ट प्लस आपको ड्राइवर्स मिलते हैं, और ये पहले से थोड़े और भी ज़्यादा बेटर हो गए। जो बेस होगा और जो वोकल्स वगैरह होंगे वो आपको थोड़े बेटर मिलेंगे, और इनमें भी आपको डायनामिक और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनमें आपको 88 मिलीसेकंड्स सुपर लो लेटेंसी मोड मिलता है, तो गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है, और आप खुद वो ऐप में जाके यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और भी बटन सेटिंग्स वगैरह आपको मिलती है, तो आप देखेंगे डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड वगैरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कि जो सेंसर्स हैं यहाँ पर आप उनमें किस तरीके से टॉगल करना चाहते हैं क्या क्या चीज़ों को, तो वो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं दोस्तों अगर Realme Buds Q से कंपेयर करता हूँ तो। वैसे इनमें आपको R2 चिप भी मिल जाती है, जो यस हाँ ये भी इसका एक अलग से कमाल है। एनीवेज थोड़ा ऑडियो टेस्ट करते हैं, गाना वगैरह प्ले करते हैं और आपको बताते हैं कि ऑडियो एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा होता है। हमने गाना शुरू कर दिया है, हद से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ओह माय गॉड, और ये निकालने के वक्त पॉज नहीं होता, वैसा कोई फीचर नहीं है। ओके, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बेस भी काफ़ी कमाल का आपको मिलता है। और वैसे हम टेस्ट करते सेंसर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम डबल टैप करते, एक मिनट, ये हमने डबल टैप किया, पॉज हो गया, और डबल टैप तो प्ले हो गया, तो यस काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ तो गाना स्किप हो गया, आप देख सकते हैं। तो हाँ, आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है। और साथ में अगर मैं इनको प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो ये एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन में स्विच कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आप टॉगल कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से दोस्तों सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या प्राइस पर आपको ये मिलते हैं, लेकिन जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है और जो मैंने चीज़ें भी देखा हो, जो फीचर्स आपको इनमें मिलते हैं वो काफ़ी कमाल के हैं, प्रीमियम फीचर्स है। और डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही कमाल की अप्रोच इस बार रियलमी ने लिया है। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी होगा डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको अपडेट करूंगा। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कुछ कंपेरिजन इनके तो कमेंट में मुझे जरूर से बताना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।